बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 95 न्यूज़। आपका मेज़बान मोहम्मद अनवर बलोच आपके साथ मौजूद है। आपके साथ जो वकील साहब मतीन अहमद साहब, उनके साथ कैसे रابطہ हुआ और वो कैसा काम कर रहे हैं, कैसे बंदे हैं? ठीक सर जी, उनसे मेरा फरहान दोस्त है, उसने उनसे रब्ता किया था। है। मसलन हमारी सोशल मीडिया की टीम भी एक ही है, मेरी भी वर्किंग है सोशल मीडिया पे, उनकी भी है। उसने उन्हें सारी डिटेल बताई, सारी डिटेल सेंड की। 3:50 पे उनसे रब्ता हुआ था, 4 बजे तक अदालत का टाइम है। उन्होंने विद इन 10 मिनट बेलफ लेके थाने के ऊपर बेलफ पड़वाया, ठीक है। और जो भी लीगल प्रोसीडिंग थी उसके थ्रू मुझे जो है ना वो वहां से बाहर, इलीगल जो डिटेंशन में रखा हुआ था ना उससे बाहर निकाला। मैं यही कहना चाहूंगा कि ग्रेट बंदा है। वकालत जो हक अदा कर रहे हैं ना लोग वकालत का, उनमें से एक अब्दुल मतीन साहब। और हमारे, मैं आवाम को भी पैगाम देना चाहूंगा कि अगर खुदा ना खास्ता आपके ऊपर ये जिंदगी है, मुश्किल वक्त आ जाते हैं, आए तो बजाय आपके पुलिस वालों के पीछे चले जाएं जी, लेन देन कर लें, फलां कर लें, आप लीगली तौर पे किसी वकील को हायर करें, जो कि आप उन्हें देंगे जो पैसे वो हलाल भी होंगे, क्योंकि रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों ही जहन्नमी है। तो आप ना रिश्वत दें ना लें, आप लीगल प्रोसीडिंग में जाएं। जब उनसे मैंने रब्ता किया, वो फीस की तो बात एक अलग है, लेकिन उन्होंने माशाल्लाह हक अदा किया, मुझे बड़े अच्छे तरीके से सपोर्ट किया उन्होंने। उन्होंने टोटल केस को सही तरीके से स्टडी किया, उन्होंने वीडियो देखी पूरी, और वो भी इस चीज से जानते थे कि प्लांटेड चलते हैं, ठीक और है। उन्होंने उस चीज के ऊपर जो भी लीगल प्रोसीडिंग थी। मैं ये एंड में लाजमी बताना चाहता हूँ कि मेरी कोई जमानत नहीं हुई, मैं सेट फ्री हूँ, केस से बरी हूँ। मेरे ऊपर किसी किस्म जो केस था भी ना, अगर इन्होंने कोई फर्जी बनाने की कोशिश भी की, वो अदालत ने इन्हें रद्द कर दिया हुआ। आप देखते रहे 95 न्यूज़। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।